मुझे पता है गाइस, वीडियो बहुत ज्यादा लेट आ रहा है क्योंकि भाई हमारे यहाँ पर लाइट की बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है। वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा ठीक टाइम पर, तो बट मैंने बहुत मुश्किल से रात के टाइम बैठ के मैंने अपने एक दोस्त के साथ फ्री फायर खेला है और वीडियो में बहुत ज्यादा आई मीन मजा आया था जब रिकॉर्ड कर रहा था तब। तो इस वीडियो को हो सके तो पूरा देखना क्योंकि भाई लास्ट में बहुत बहुत ओपी वाला सीन्स है, तो जरूर देखना इस वीडियो को। एक चीज मैं पहले ही बता दूँ, इस वीडियो में बहुत आई मीन थोड़े थोड़े सीन में लैग है। अब मैं कुछ कर नहीं पा रहा, आई मीन लैग का तो मैं कुछ नहीं कर पाता। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं भाई तुम्हारा फ्री फायर बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। आई नो मुझे बहुत मुझे पता है भाई मेरा फ्री फायर बहुत ज़्यादा लैग करता है, बट जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ उस टाइम पर मेरा गेम लैग करता है, बट जब मैं नॉर्मल ऑफलाइन कोई भी गेम खेलता हूँ ना तब मेरे पीसी में कोई गेम लैग नहीं करता, बट जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ एफपीएस ही नहीं आता, 300-400 का एफपीएस चलता है गेम लैग करता है। तो इसलिए मैं पहले सॉरी बोल देता हूँ और लेट वीडियो के लिए भी सॉरी। तो वीडियो को देखो, बहुत मस्त वाला वीडियो है। तो गाइस यहाँ पर मैं और री ग्रेवियार्ड की तरफ उतर रहे हैं और मैं होप करूँगा उतरते मुझे कोई अच्छा वाला ढंग का गन मिल जाए। और यहाँ पर एक बंदा उतर रहा था सामने, इसलिए मैंने अपना पैराशूट इधर घुमा लिया और मेरा गेम थोड़ा सा लैग कर रहा है। आई नो मुझे पता है, और सब जगह मैं लैग नहीं कर रहा, थोड़ी थोड़ी जगह मैं लैग कर रहा है। और उतरते ही मुझे एक छोटा सा शॉर्ट गन मिल गया और इस घर में घुसने के बाद मेरा गेम भाई लैग इंटू 100 हो गया। और एवं मुझे एक सबबोर्ड मिल गया था, आई मीन इलेक्ट्रिक सबबोर्ड, तो इसे मैं अभी यूज़ नहीं करने वाला और मुझे इसका यूज़ करना भी नहीं आता, सच बता रहा हूँ। और यहाँ पर मैं और गन आई मीन रूम के अंदर जाके गन ढूंढ रहा था एक अच्छा वाला गन मिल जाए, तो क्योंकि शॉर्ट गन से उतना अच्छा नहीं मार पाता मैं। और एक बड़ा वाला शॉर्ट गन मिल गया जिसे मैंने ले लिया, चल जाएगा मुझे शॉर्ट गन से, और क्या बोलूँ मेरे पास कोई बंदूक नहीं मिलता। और यहाँ पर मुझे HG का एमओ मिला जिसे मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे पास शॉर्ट गन है, मेरे पास बंदूक थोड़ी है मैं लूँगा। तो यहाँ पर मुझे एक स्वाट की आवाज़ आ रहा था, मुझे लगा कोई अंदर घुस गया है इस घर के, इसलिए मैं यहाँ से भाग लिया एकदम हाई स्पीड में। मैं अपने रिक के पास मैं भागना शुरू कर दिया क्योंकि अकेले मैं भाई प्रो नहीं हूँ इतना ज़्यादा, तो मैं यहाँ पर भाग लिया। और सामने से एक बंदा आ रहा था जो मैंने देख लिया बहुत पहले ही, इसलिए मैं इसके पीछे छुपने के लिए जा रहा था, बट मेरा गेम लैग और मैं इसके पीछे छुप गया भाई, वो बंदा ना देख ले, वो भी पेड़ के पीछे छुप गया और मैं भाई रिक की तरफ भाग लिया क्योंकि डर लग रहा था मुझे और मेरा गेम यहाँ पर थोड़ा सा लैग कर रहा था। वो बंदा इधर ही आ रहा था इसलिए मैं जाके मुझे सोचा उसे मार लूँ, जब वो मेरा गेम लैग कर रहा था और मैंने एक गोली उसे नहीं मार पाया, देख रहे हो कितना नूबड़ा हूँ मैं नूबड़ा नहीं हूँ, मतलब उसे गोली नहीं मार पा रहा था बस। और इसके मैंने लूटा तो इसके अंदर भी एक ही मुझे शॉर्ट गन ही मिला, आई मीन कोई ढंग का गन नहीं मिल रहा था इतनी देर से। और मैं और घर के अंदर जा रहा था और मुझे यहाँ पर AK दिखा जो बहुत बढ़िया थी, तो मैंने शॉर्ट गन की जगह AK उठा लिया और AK का एमओ नहीं था, आई मीन AR MO, तो एमओ ढूंढ रहा था मैं। और यहाँ पर मेरा गेम फिर से लैग आए है, ये लैग को वही मैं फिक्स करने की कोशिश करता हूँ बट ये होता नहीं। और यहाँ पर एक घर के अंदर मैं आ गया और पीछे से एक फट्टा से मुझे शॉट पड़ा, किसने मारा मुझे पता नहीं, मेरे पीछे पैन था इसलिए मैं थोड़ा सा सेफ हो गया, बच गया, पूरा मरा नहीं। और बट 2x स्कोप था जो मैं लेने की कोशिश कर रहा था बट मैं ले नहीं पा रहा था, सम फॉर रीज़न क्यों नहीं ले पा रहा था, आई मीन मैं उस टेबल के ऊपर मैं लैंड नहीं कर पा रहा, ऊपर नीच कर रहा था भाई साहब। और लगा मैं मजाक कर रहा हूँ इसलिए वो भी ऐसे इधर उधर करना शुरू कर दिया, बट उसे पता नहीं मुझे क्या चाहिए था। बट मैंने फाइनल 2x स्कोप और एक ये ले लिया, क्या बोले, शॉटगन का एमओ। और उसके बाद मैं एक मेडिकेट मार लिया क्योंकि भाई मुझे थोड़ा सा डैमेज पड़ा था, तो मेडिकेट करने के बाद मैं यहाँ से भाग लिया, तो मैं रिक के साथ चला गया कहाँ जा रहा था। और ग्रेवियार्ड में उतने ज़्यादा बंदा नहीं उतरा, एक दो बंदे था जो स्कैनर में मुझे दिखा था। और पीछे से भाई साहब क्या गोली पड़ा मुझे, मैं भाई एकदम पीछे फट्टा से चला गया और मुझे बंदा दिखाई दिया जिसने मुझे पहले मारा था, तो स्कार था बट मैंने स्कार नहीं लिया, एक के से ही मारने की सोची और एक गोली नहीं लगा उसे, सब दीवार में ही लग रहा था। और उसके बाद मैं सोच रहा था क्या करूं, तो मैं पीछे चला गया, उस यहाँ पर मुझे कार 98 दिख गया जो चाहिए था, मुझे चाहिए नहीं था क्योंकि भाई कार 98 से मैं आई मीन लॉन्ग रेंज में कौन है, कहाँ मैं कैंप करने वाला हूँ, अकेला रहता तो कार 98 लेके मैं किसी घर के अंदर जाकर छुप जाता, बट डुओ खेल रहा हूँ इसलिए मैंने सोचा छुपने की कोई ज़रूरत नहीं, और रिक भाई बहुत ज़्यादा प्रो है इसलिए छुपने की कोई बात ही नहीं। तो यहाँ पर उस बंदे को आई थिंक रिक ने मार दिया होगा और मैंने सोचा कार 9 को अगर आई मीन क्या बोलते उसे पिन कर दूँ, आई मीन रिक को,
जरूरत पड़ा तो ले सकता है। आई मीन मुझे पता नहीं उसे लगेगा या नहीं, तो मैंने उसे पिन कर दिया, लगा तो ले लेगा। और अगर मुझे फिर से बंदा दिखे, इसलिए मैं घर के अंदर फिर से भागा। और बट मुझे वो बंदा दिखाई नहीं दे रहा था, थोड़ा दिखाई दिया एक बार, उसके बाद वो घर के अंदर चला गया। तो मैं यहाँ पर बैठ गया बंदूक हाथ में लेके, कि वो बाहर आया तो पट्टा से मार दूंगा मैं, कोशिश करूंगा, मार नहीं दे सकता बट कोशिश, हाँ कोशिश कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर बंदा दिखाई तो नहीं दे रहा था, और रिक भाई बहुत दूर चला गया था मुझसे। आई मीन मैं मरा तो रिवाइव करने नहीं आ सकता, इसलिए मैं भी चला गया। और पीछे से गोली चलने की आवाज़ आ रहा था, आई मीन वो बंदा गोली कर रहा था। मैं क्राउच होके, यहाँ पर स्पेस 12 नाम का आई थिंक ये बंदूक था, उसे मैंने ले लिया, उस शॉटगन को फेंक दिया। इससे अच्छा मुझे ये स्पेस 12 लगता है, इसलिए मैंने इसे ले लिया। और मैं रिक की तरह भग भग लिया। और अगर लैंड माइंड था तो उसे मैंने नहीं लिया, आई मीन मुझे उसे यूज़ करना नहीं आता है, इसलिए मैंने नहीं लिया। और मज़ल 2 मिल गया और एक इनहेलर मिल गया, तो अच्छी बात है। इनहेलर से मैं भागते भागते मैं हील कर सकता हूँ अपने आप को। तो यहाँ से मैं देखा रिक कहाँ है, और मैं रिक की तरफ चला गया अकेला रहने में। डर लग रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मुझे फिर से SG MO आई मीन शॉटगन MO मिल गया, तो इस शॉटगन MO को मैंने ले लिया। और यहाँ पर एक लेवल 1 का हेलमेट था, इसे भी मैंने फट्टा से ले लिया। और जोन आ रहा था बहुत स्पीड में। और एक मेडिकेट था, मैंने इस मेडिकेट को भी ले लिया। और यार भाई यहाँ पर सारे कब्र के ऊपर से हम भाई कूद कूद के जा रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। ठीक, यहाँ पर इस चीज़ पे इसका नाम मुझे पता नहीं, इस पे चला गया और यहाँ से ऊपर की तरफ भाग लिया। मैंने भी सोचा मैं भी चला जाऊँ, और मुझे देख मैंने देखा जब रिक वहाँ पर आई मीन जोन के बाहर चला गया। और मैं मैप की तरफ देख रहा था क्या हो रहा है भाई, वो जोन के बाहर क्यों गया। और तभी भाई मुझे सामने से एक बंदे ने मार दिया फट्टा से, और मुझे दिखा भी नहीं वो बंदा, क्योंकि मैं मैप की तरफ देख रहा था, वो बंदा आ रहा था दौड़ दौड़ के मुझे मारने के लिए। और वैसे रिक भी आ रहा था मुझे मदद करने के लिए, बट वो जितनी देर में आता तब तक इस बंदे ने मुझे मार दिया। ये एडम को लेके खेल रहा है, और भाई इसने मुझे मार दिया, हेडशॉट मारा था वहाँ पर। और रिक आ रहा था इसमें मुझे मदद करने के लिए, और रिक ने भी इसे मार दिया फट्टा से। और रिक के 3 किल हो गए, जो बहुत ओपी वाली बात है। आई मीन मैंने तो सब एक ही किल किया था, और हाँ मैं लाइक करना भूल गया था, इसलिए मैंने लाइक कर दिया। यहाँ पर रिक बीमार शक्ति पे आ चुका था, और यहाँ पर रिक बंदा को ढूंढ रहा था, और बंदा दिख तो नहीं रहा था। और रिक ने यहाँ पर एक बहुत ओपी वाला सीन किया, जो देखो आप लोग। और सब बोर्ड से एकदम ओपी वाला जंप किया यहाँ से। और हाँ यहाँ पर मेरा गेम बहुत ज़्यादा लैग कर गया, सब बोर्ड जब भी यूज़ किया इसने। और बस ये अब चल पड़ा क्लॉक टावर की तरफ, क्योंकि बंदे की ज़रूरत थे और 10 लोग अलाइव थे। रिक को एक लूट बॉक्स मिल गया, जिसे रिक ने लूटने के लिए यहाँ पर आठ गया, और ढूंढ रहा था कोई बंदा है या नहीं। और रिक ने इस लूट बॉक्स को लूटा नहीं, क्यों नहीं, आई मीन कोई अच्छा चीज़ था नहीं आई थिंक। और ऐसे कार लेके और ओपी वाला ड्रिफ्ट मार के ऐसे निकल पड़ा फैक्ट्री की तरफ। और वहाँ पर और एक लूट बॉक्स था आई थिंक, उसे लूटने के लिए जा रहा था रिक। तो वहाँ पर और एक लूट लूटने के लिए रिक आ चुका था अपनी ओपी वाली गाड़ी लेके। और यहाँ पर रिक ने लूट लिया इस लूट बॉक्स को ओपी स्टाइल में। और उसके बाद लूटने के बाद फिर से कार लेके ऐसे भग लिया फैक्ट्री के साइड से। और मुझे जितना लगता है फैक्ट्री में कुछ बंदे थे, तब गोली चलने की थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रहा था, तो मुझे लगा ये आई मीन रिक उतर के मारेगा, बट नहीं मारा, फ़ायदा नहीं होगा। आई मीन रिक मार नहीं पाया तो खामखा मर जाएंगे और हार जाएंगे। और यहाँ पर एक आई मीन इसे क्या बोल सकते हो तुम, इसे समझ लो टावर बोल लो, एक टावर के ऊपर ये जाके कैंप करना शुरू कर दिया। और सामने बहुत सारे बंदे आई मीन बहुत सारे 2 बंदे रिक ने देखा, मैंने भी देखा। और रिक ने मारा उसे, और उस बंदे ने ग्लू बॉल लगा दिया बहुत ओपी वाला। तो अब रिक बैठ गया, और सीन बहुत बुरा था। फिर पीछे फैक्ट्री में भी बंदे थे, और सामने क्लॉक टावर में भी बंदे थे। यहाँ पर छलांग लगा दी, और भाई डैमेज पड़ा रिक को बहुत गंदे वाला। और रिक ने ओपी वाला ग्लू बॉल लगा लिया था, और ऑलोक की पावर से इसने अपने को अपने आप को रिवाइव करना भी शुरू कर दिया। और एक मेडिकेट भी मार लिया, और एक क्या बोलते हैं रिपेयर किट भी मार लिया। और बंदे पूरा एकदम खतरनाक कार के ऊपर गोली चलाते हुए और रिंग स्किल दिखाते हुए यहाँ से क्लॉक टावर के पीछे से कार को भगाते हुए। और जोन भी आ रहा था वहाँ पर से, गंदे वाला सीन हो गया था चारों तरफ से बंदे जोन।
और रिक ने यहाँ पर क्लॉक टावर के नीचे कार घुसा दिया, और यहाँ पर उतने ज़्यादा बंदे नहीं थे, आई होप नहीं हो, और कार की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। और रिक को 184 का क्या हुआ, पर आई मीन डैमेज पड़ा बा, उसने किसी को डैमेज दिया, आई डोंट नो क्या हुआ पर दिखाई दिया, बट एनी वे पर गोली चलने की आवाज़ आ रहा था और रिक वहाँ से निकल पड़ा। और भाई और एक आई मीन दो बंदे अलाइव थे और रिक अकेला, और सामने को ग्लू बॉल दिखाई दे रहा था, आई मीन उसके पीछे आई थिंक बंदे होंगे, और हाँ उसके पीछे ही बंदे थे, रिक अकेला, रिक के सामने दो बंदे, छोटा हो रहा था एकदम बच्चा छोटा, आई मीन जोनी नहीं था आई मीन। और रिक ने पर गोली चलाना शुरू कर दिया और ग्लू बॉल लगाया, और बंदे सामने से नहीं आ रहे थे, और रिक ने ग्रेनेड मार दिया, बंदा सामने से आ रहा था, और बुईया गाइस बुईया, एकदम ओपी वाला बुईया किया यहाँ पर, मतलब वो बंदा फंस गया था ग्लू बॉल के बीच में, और रिक ने उसका ही फायदा लेके बुईया कर दिया इस गेम को। गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और रिक ने भाई बहुत ओपी वाला बुईया किया सच बताओ तो, और मैं भाई पहले पहले मर गया मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मैं मैप की तरफ देख रहा था और मैंने गेम की तरफ ध्यान नहीं दिया था इसलिए, बट कोई नहीं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक है जाके ज्वाइन कर लेना, और रिक के इस बुईया के लिए गाइस प्लीज़ एक लाइक बनता है, और मैं मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।